हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर 2020 से प्रैक्टिस सेट नंबर 44। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था। क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट? तो दोस्तों, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कहां बच्चों का पहला अखबार जिसका नाम है द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया? राइट आंसर है दोस्तों, असम। ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने लिखने की आदत को पैदा करेगा। याद रखिएगा, इसका नाम है द यंग माइंड्स। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां स्थापित किया गया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। इसे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है दोस्तों, कर्नाटक, कर्नाटक के कोप्पल में। इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करने की क्षमता होगी। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता? सही आंसर है बाल्टेरी बोटास। याद रखिएगा, ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों, अभिनेत्री दिशा पट्टानी, यानी कि ऑप्शन डी। बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है भारतीय फिल्म निर्माता करण जौहर। ये बुक जुड़वा बच्चों के परवरिश पर आधारित है। किस देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में दोबारा से शामिल किया गया? सही आंसर है मालदीव। दोस्तों, याद रखिएगा, 2018 में मालदीव कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गया था, लेकिन अब फिर से इसमें शामिल हो गया है। किसके द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई? सही आंसर है भारतीय रेलवे। कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने में मदद के लिए है ये मेडिकल ट्रॉली। किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया? राइट आंसर है दोस्तों, लेबनान। याद रखिएगा, इन्होंने अपनी विफलता के कारण, यानी कि कैबिनेट में विफलता के कारण इस्तीफा दिया। ये अगस्त महीने में लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे। लेबनान की राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर है नीतू डेविड, यानी कि ऑप्शन ए। बीसीसीआई ने 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष है नीतू डेविड। बुक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके राइटर हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। किस राज्य ने बाय रोड अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है उड़ीसा। इसे उड़ीसा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई। फॉर्मूला वन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। किस IIT के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है IIT बॉम्बे। ये ऐप PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? सही आंसर है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल। अपने ग्राहक के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस चैटबॉट पेश किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। किस राज्य में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों है तो सुनिए। सितंबर 2020 में जो रूबी का निधन हुआ वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों लेखक। याद रखिएगा,
जो रूबी एक लेखक थे और साथ ही साथ कार्टूनिस्ट भी थे। ये कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता थे। कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने? सही आंसर है अविक सरकार। इन्होंने विजय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? राइट आंसर है 6 महीने। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्थापना 1924, मुख्यालय नई दिल्ली। किस राज्य ने अमहा शहर मोबाइल ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है उड़ीसा। और इसके साथ ही साथ स्वच्छ शहर उड़ीसा ऐप को भी लॉन्च किया गया। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर है स्पेसएक्स। ये अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है, इसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा होम उत्सव की शुरुआत की गई? सही आंसर है ICICI बैंक। ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करता है। किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ये 15 दिनों का अभियान था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।